मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य करने में जुटा है। विभाग ने साल 2024 से 25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा मुख्यालय में हुए जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सभी जिलों में प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करेंगे। यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में हो रही देरी से जिलों में विकास कार्यों की रफ्तार रुकी हुई थी। एसपी के सागर जिले में लोकायुक्त को बड़ी सफलता मिली। एक एसआई रिश्वत लेते उसके हत्थे चढ़ गया। एसआई पीयू साहू को 30,000 की रिश्वत ले रहा था। सौदा बिना कि एक निजी होटल में तय हुआ था। उसी वक्त लोकायुक्त ने उसे ट्रैप कर लिया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को तारीखों का ऐलान कर दिया गया। हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी 2025 को शुरू होगी और 19 मार्च को खत्म होगी। इसी तरह हायर सेकेंडरी परीक्षा 25 फरवरी 2025 से शुरू होगी और 25 मार्च को खत्म होगी। 18 लाख से अधिक परीक्षार्थी इन दोनों परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसद में रौद्र रूप देखने को मिला। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर जरुआपुर निवासी किसान दिलीप मिस्त्री और उसके 3 अन्य साथियों को आज फिर 16 कैरेट 10 सेंट जेम क्वालिटी का चमकता हुआ हीरा मिला है। किसान और उसके साथियों ने उक्त हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है, जिसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। एमपी में मॉनसून के एंट्री को अब तक 45 दिन हो गए। इस दौरान औसत 24.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 65% है। भोपाल मंडला सिवनी नर्मदापुरम समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 30 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। मंडला में सबसे ज्यादा 36.67 इंच बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभिषिका स्मरण दिवस मनाने का फैसला किया है। यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होगा और 3 दिन चलेगा। वहीं भाजपा 14 अगस्त को विभाजन की विभिषिका स्मरण दिवस मनाएगी। आईआईटी इंदौर ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ को इन जूतों की 10 जोड़ी सौंपी है। यह जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनोजेटर आधारित है। इन जूतों की मदद से एडवांस ट्रैकिंग के साथ बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रियों के पीए के नाम से ट्रांसफर कराने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले जालसाज को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पुष्पेंद्र दीक्षित शर्मा है। वह केंद्रीय मंत्रियों के साथ धार्मिक वेशभूषा में फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था।